बड़वानी सर्व ब्राह्मण समाज ने राज्यसभा सांसद सहित एसपी बड़वानी को गृहमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। खंडवा के मंधाता में हुई गरिमा की मौत को लेकर न्याय की मांग की, साथ ही मंधाता टीआई और डॉक्टर वर्मा को जांच से हटा कार्रवाई की मांग की। राज्यसभा सांसद बोले, खंडवा एसपी को फोन लगाकर मंधाता टीआई तत्काल हटाने के दूंगा निर्देश। खंडवा जिले के मंधाता में बड़वानी की बेटी गरिमा की उसके पति के द्वारा हत्या के मामले को लेकर आज शहर के सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा आज गृहमंत्री के नाम ज्ञापन राज्यसभा सांसद और एसपी को सौंपा है। समाजजनों के अनुसार गरिमा बड़वानी की बेटी है और उसे उसके पति के द्वारा पूर्व से प्रताड़ित किया जा रहा था और उसकी मौत के बाद डॉक्टर और मंधाता टीआई के द्वारा उसे न्याय दिलाने के बजाय जांच प्रभावित की, लेकिन अब साफ हो गया है कि गरिमा की हत्या की गई। ऐसे में गरिमा के परिजन सहित समाज चाहता है कि गरिमा को न्याय मिले, साथ ही डॉक्टर वर्मा और मंधाता टीआई को तत्काल हटाया जाए। जिस पर एसपी बड़वानी ने ज्ञापन जहां गृहमंत्री तक भेजने की बात कही, वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह ने एसपी खंडवा को फोन लगाकर मंधाता टीआई को तत्काल हटाने के निर्देश देने की बात की। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से चर्चा कर शहर की बेटी को न्याय दिलाने की खुद मांग करूंगा। किन मांगों को लेकर आए थे? सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा यह ज्ञापन दिया जा रहा है। 25 दिसंबर को बड़वानी की सुपुत्री गरिमा उर्फ प्रियंका चतुर्वेदी की उसके पति के द्वारा निर्मम हत्या की गई, जिसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हुआ कि किस तरह गरिमा के पति ने और उसके अन्य साथियों ने गरिमा की हत्या की है। गरिमा को न्याय दिलाने के लिए और मानदाता थाना प्रभारी के द्वारा इसमें जो गंभीर लापरवाही बरती गई है, इसके विरोध में आज ये सर्व ब्राह्मण समाज और सभी सर्व समाज बड़वानी के द्वारा और महिला शक्ति बड़वानी के द्वारा ये ज्ञापन पुलिस अधीक्षक महोदय को माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम से दिया गया। लापरवाही की है, इसलिए मानदाता थाना प्रभारी और डॉक्टर वर्मा के खिलाफ भी जाँच की जाना चाहिए और उनको जाँच से अलग किया जाना चाहिए। रश्मि जोशी है। जोशी जी, कलेक्टेड आए हो, क्या लेना आए हो? हम गरिमा को इंसाफ दिलाने के लिए आए हो। क्या चाहते हो, क्या करना? ये स्पष्ट दिख रहा था हमको, गले में निशान थे और हमको जो भी ऐसा लगा कि भाई ये हत्या है और जो पुलिस उनकी जैसी भी अपने आप से बोल रहे थे कि नहीं ये पानी में डूब के मरी हुई है और ये ऐसा हो गया है, पर हमको ऐसा कुछ लगा नहीं। हमको सिर्फ हत्या का लगा है कि ये हत्या हुई है। किसने की हत्या? उसके पति ने। उनका नया घर है, वहीं पे वो रहते थे, यहाँ आते ही नहीं थे वैसे फिलहाल। क्या होना चाहिए, किस तरीके की कार्रवाई होना चाहिए? फांसी, तत्काल फांसी होना चाहिए उनको। के लिए ज्ञापन दिया है ब्राह्मण समाज ने, सर क्या मामला है? वहाँ पे खंडवा जिले में जो घटना हुई है उसके संबंध में यहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया है। ये ज्ञापन जो है गृहमंत्री जी के नाम है और ये उनको भेज दिया जाएगा आवश्यकता। आपसे मुलाकात की है सर, कौन सी मांगों को लेकर आए? देखिए, बड़वानी जिला मुख्यालय पर सभी समाजों के हमारे भाई और बहन जिला कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए हैं। ओंकारेश्वर थाना अंतर्गत जो घटना हुई है, हमारे नगर की बहन की जो असामयिक निधन हुआ है और जो जघन्य घटनाक्रम हुआ है, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। इसी विषय को लेकर समाज के बीच में आक्रोश है। मैं राज्यसभा सांसद होने के नाते इन सभी भाइयों और बहनों के बीच में पहुंचा, इन सब ने मुझे ज्ञापन दिया है और मैं मध्य प्रदेश के माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान से आग्रह करूंगा कि इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, कोई भी दोषी बचे नहीं और भविष्य में इस प्रकार का जघन्य अपराध करने से पहले 10 बार व्यक्ति सोचे, ताकि वहाँ की जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से हो सके। मैं इस दुखद घटनाक्रम के साथ जिस बहन का निधन हुआ है उनके परिवार के साथ में हूँ इस दुख की घड़ी में और मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार की तरफ से। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।